नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ट्विंकल और आप देख रहे हैं जेड टीवी न्यूज 24। तो आइए रुक करते हैं आज की दिन भर की छोटी बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, मैं हूं सिद्रा महक और आप देख रहे हैं जेड टीवी न्यूज 24 पर इस वक्त की खबर। कहीं बंद तो कहीं खुले मिले आंगनबाड़ी केंद्र, जर्जर बिल्डिंग में बैठने को मजबूर हैं आंगनबाड़ी के नौनिहाल बच्चे। मुरादाबाद जनपद के विकासखंड भगतपुर टांडा की ग्राम पंचायत सिरसमा गोंड में जर्जर बिल्डिंग में बैठते हैं नन्हे मुन्ने आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे। आपको बताते चलें कि आंगनबाड़ी केंद्र प्राइमरी स्कूल सिरसमा गोंड में बना है। ये आंगनबाड़ी केंद्र बुरी तरह से जर्जर हो चुका है, बरसात में छत से भी पानी टपकता है और बिल्डिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। फिर भी इसी केंद्र में छोटे छोटे बच्चे बैठकर शिक्षा हासिल करते हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो बहुत अच्छी हालत में बने केंद्र ज्यादातर बंद ही दिखाई देंगे और उन पर ताले लटके मिलेंगे या फिर पशुओं का चारा या पशु बंधे दिखाई देंगे। लेकिन हम बात करें सिरसमा गोंड की, तो इस केंद्र पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता निशा सैफी बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए समय से केंद्र खुला मिलता है और उसमें नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे मिले। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री निशा सैफी ने बताया कि इस बिल्डिंग के लिए हमने कई बार विभाग को अवगत करा दिया है लेकिन विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिसके चलते बरसात में छत टपकती है और पूरे कमरे में पानी भर जाता है। बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। निशा सैफी ने आगे बताया कि हमारे विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि आप इसी कमरे में बैठकर अपना केंद्र चलाएं, तो वो भी विभाग के आदेशों का पालन करके इसी जर्जर आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को लेकर बैठती है। कौन सा नाम है? ये सिरसमा गोंड है। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हूँ। इसमें टपकता भी है, फिर ये 3 फीट नीचे गहरा है, इसमें घुटन बच्चों को घुटन महसूस होती है और गहराई बहुत है, फिर ये जर्जर हो चुका है। लेकिन अब इतना बाहर धूप है तो इसलिए बच्चों को बिठा नहीं पाते हैं, मजबूरी में यहाँ पर बिठा रहे हैं। लेकिन मैंने जो है अपने विकास भवन कार्यालय में भी अवगत करा दिया है, प्रार्थना पत्र दिया और अपने CDPO कार्यालय में भी प्रार्थना पत्र दिया है और प्लस BDO साहब को ब्लॉक में भी प्रार्थना पत्र दे चुकी हूँ। मैं क्या करूं, मजबूर हूं मैं, अगर केंद्र नहीं खोलूंगी तो भी मुसीबत है, नहीं खोला है, अब बाहर धूप है, मैं बच्चों को नहीं ले जा सकती बाहर, छोटे छोटे बच्चे हैं, नौनिहाल बच्चे हैं ये, और मैंने अपने अधिकारी को अवगत करा दिया लेकिन मुझे सिर्फ आश्वासन ये दे दिया गया है कि जब बजट आएगा तो हम करवा देंगे, अभी बजट नहीं। बरसात ज्यादा होती है तो या बरसात ज्यादा होती है तो पानी की जैसे बूंदे टपकती हैं, अगर उधर टपक रही हैं बूंदे तो मैं बच्चों को इस साइड बिठा देती हूँ, अगर इधर टपक रही हैं तो मैं अपनी साइड बिठा लेती हूँ बच्चों को। बच्चे मेरे लगातार इसी तरह से परेशान रहते हैं और मैं भी परेशान रहती हूँ, मेरे नौनिहाल बच्चे हैं। जी जी, परेशानी गर्मी बहुत है, बच्चों को भी परेशानी हो रही है, हमें भी परेशानी बहुत हो रही है, पसीना आ रहा है, लेकिन क्या किया जाए, बच्चों को शिक्षा देनी है, बच्चों को दिखाना भी है, बच्चों को भाव भी सिखाने हैं, अगर मैं बच्चों को ना बुलाऊं तो भी गलत है, बच्चों की शिक्षा खराब होगी और अगर मैं यहाँ खुद ना हूँ तो भी बात खराब है। अब कोई सरकारी स्कूल में जो है कोई भी कमरा इतना मतलब अवेलेबल नहीं है जो कि मैं किसी और रूम में बच्चों को बिठा लूं। जी बहुत बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, बहुत अच्छी वहाँ बिल्डिंग है, जो खेल रहे हैं फिर भी कमरे बंद कर रहे हैं जी, वहाँ उसकी जर्जर बिल्डिंग में रहने के बावजूद। देखिए सर, काम है इसको तो अगर आप काम करेंगे तभी अच्छा रहेगा, देश के लिए भी, अपने लिए भी और इन नौनिहालों के लिए भी। आज हम इनको कुछ सिखाएंगे तो कल ये आगे भविष्य में कुछ कर पाएंगे, और डेली इनको बुलाऊंगी तो ये फिर प्राथमिक विद्यालय में जब मैं इनको ट्रांसफर करूंगी तो ये वहाँ आने में कोई परेशानी नहीं होगी इनको, इसलिए मैं जो हूँ डेली बच्चों को बुलाती हूँ, भावगी सिखाती हूँ। केंद्रों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छी बिल्डिंग है, बहुत अच्छे केंद्र बनाए हुए हैं,
मैं क्या कहना चाहूंगी सर, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, सबकी अपनी सोच है। मेरी सोच है कि मैं बच्चों का भविष्य खराब ना करूं, जो बंद पड़े हैं वो उनकी सोच होगी। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, मैं अपने लिए बता सकती हूँ सिर्फ कि मुझे काम करना है। आपने विवाद के बिल्डिंग के वाले आपके विवाद के अधिकारी से आपको संदेश बस ये देना चाहूंगी कि मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरे बच्चों के लिए अब हार्ड कुक भी आने वाला है। मेरी किचन की भी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और निंदनीय हो रही है, और ये बच्चे जो है यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र मेरा बहुत अच्छी तरह से बन जाए, जो मैं बच्चों को भाव गीत और दुनिया भर के सब खेल खिलाती रहूँ और बहुत अच्छे से मैं अपना स्कूल चलाती रहूँ सर। आपने विवाद